उसी प्रकार एक बहुत अहम मुद्दे पे मैं बात आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन नेशनल हीरोज की हमें हमेशा प्रेरणा मिलती है। जिस महाराष्ट्र से मैं आता हूं, उस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े नेशनल हीरो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज है। ही वॉज द ओनली किंग इन द एंटायर वर्ल्ड हु वॉज नॉट बॉर्न एज अ किंग। He never betrayed anyone to become a king. He swore himself as a king. And when he passed away till that time, he was a king. None of the great 17s in the world stand on this criteria. इसलिए इतनी बड़ी मैंडेट वाली सरकार से मेरी गुजारिश है, अगर लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी आदरांजलि छत्रपति शिवाजी महाराज को देना चाहे, क्योंकि शिवाजी महाराज लोकतंत्र के पहले उद्गाता माने जाते हैं, क्योंकि 17वीं सदी में जब साम्राज्यवाद था तब इकलौते राजा ऐसे थे जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसे अपने नाम पर नहीं, अपने कुल के नाम पर नहीं, बल्कि लोगों के नाम पे खड़ा किया, रयत एक राज्य जिसे कहते हैं स्वराज्य। इसलिए मेरा ये मानना है इतनी बड़ी मैंडेट वाली सरकार से लोकतंत्र के पहले उद्गाता का सबसे उचित स्मारक वही होगा जब स्वराज की राजधानी किले रायगढ़ को 17वीं सदी में जैसा किला रायगढ़ था वैसे के वैसे उसे बनाया जाए। अगर ये बनाया गया तो ये विश्व का 8वां अजूबा होगा। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि अगली बार जब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सुनने आए तो उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुनने पड़े। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका धन्यवाद।